मानसून की दस्तक से पहले हर जगह नाला सफाई अभियान शुरू हो जाता है और अगर नाले की सफाई नहीं होती तो बरसात के कारण जल भराव हो जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और इन सब परेशानियों का लोगों को सामना ना करना पड़े, इसके लिए समालखा में आज जिला म्यूनिसिपल कमिश्नर गौरव कुमार पहुँचे और अधिकारियों व कर्मचारियों की मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि मानसून की दस्तक से पहले शहर के छोटे बड़े सभी नालों की सही से सफाई कराई जाए, ताकि बारिश के पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके और सभी लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ एनजीटी के निर्देशों, प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी विचार विमर्श किया गया। जिनकी फाइल्स आ चुकी है उनका जल्द कार्य पूरा हो, इसके लिए निर्देश दिए गए। वही अन्य कई विषयों पर इसी प्रकार से चर्चा की गई और शहर के जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। जैसे कि आपको पता है, निकट भविष्य में मानसून का सीजन आने वाला है, तो नालों की साफ सफाई संबंधित विषय पर विचार विमर्श किया और उन्हें कहा गया कि भी सफाई जल्द से जल्द करवाएं जितने भी छोटे बड़े नाले हैं। साथ ही साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल माननीय एनजीटी के जो निर्देश है उस विषय पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जो बेनिफिशियरी जिनकी पहली किस्त लंबित चली आ रही है उन पर भी जो विचार विमर्श किया, और ऐसे 30 जिनकी फाइल्स अभी आई हुई हैं उनको जल्द से जल्द पैसा डिसबर्स करने के लिए कहा है। इसके अलावा जिनका पीएम समनिधि में चयन हुआ है, जिनको लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो गया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बैंक के नाम चला गया है, उनमें भी कहा गया है कि भी जल्द से जल्द उन 8 पेंडिंग केसेस को निपटाएं बैंक के साथ समन्वय बना करके, और उनको ताकि लोगों को जो रेडी वाले हैं पीएम समनिधि में जिनको लाभ दिया जाना है उनको बैंक से जल्द से जल्द लाभ दिलवाया जा सके। इस मौके पर सभी नगर पालिका कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। संभालकर सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।